हाथ छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी मैं। हाथ छोड़ो, क्यों दूर रहूं मैं? ये क्या? क्यों तुम दूर? मुझे कुछ कहना मत, नहीं तो यहीं पे गला दबा के मार दूंगा, समझी? अभी भी मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूं। दूर रह पहले मेरे। अरे यो ना, तुम हो सिर्फ मिले लेकिन नाम। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे पति राहुल सिंह के चैनल में। जैसा कि आप लोग तो मुझे जानते ही हो, मैं हूँ प्रीति। आप लोग ने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, और आज मैं आई हूँ, मतलब मैं आप सबके सामने भी ना अपने प्यार को जताना चाहती हूँ कि मैं राहुल से कितना प्यार करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि गालियाँ नहीं मिलती, मुझे काफ़ी सारी गालियाँ भी मिलती है, जो कि लड़की ठीक नहीं है, ऐसी है, शादी मत करना राहुल भाई। अरे मैं राहुल से प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने आज, आप सब भी देख सकते हो कि मेरा ड्रेसअप क्या होता है और आज मैं राहुल के लिए क्या बन के बैठी हुई हूँ। सिर्फ मैंने ये सब जो किया है सिर्फ और सिर्फ राहुल के लिए किया है। गाइस, जैसा कि आप सब भी जानते हो कि अगर मैं राहुल से प्यार नहीं करती तो मैं इस तरीके का पहनावा पहनती कभी, या उनके लिए कुछ करती? मैं भी अगर मुझे प्यार नहीं होता तो जिस तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और मुझसे लड़ाई झगड़ा भी किया है, गालियाँ भी दी हैं, तो मैं कब का जा चुकी होती उनकी लाइफ से। बट मुझे जाना ही नहीं था, मुझे उनके पास ही रहना था इस वजह से। और मैंने आज राहुल के कैमरामैन को बुलाया है क्योंकि मैं एक मैसेज भी देना चाहती थी कि जो आप सब गालियाँ देते हो इतनी, आप भी अपनी आँखों से देख सको कि मैं भी राहुल से कितना प्यार करती हूँ। तो गाइस चलिए आज बुलाते हैं राहुल को, कॉल करती हूँ मैं उन्हें, वो आते हैं अभी। हेलो। हेलो, हाँ राहुल। तो फोन क्यों की मेरे पास? तुम्हें काम उम नहीं रहता है जो फोन करती हो? काम तुमसे ही तो काम है, मुझे एक बार आ जाओ मिल लो मुझसे। तुमसे? तुमसे मेरा परछाई भी ना जाए मिलने और तुम बात कर रही हो। अरे आ जाओ ना एक बार मिल लो ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मुझे काम है तुमसे जरा। मुझे कुछ काम नहीं है, ठीक है? अरे प्लीज आ जाओ ना एक बार मिल लो लास्ट। मतलब प्रीति, तुम क्यों मेरा लाइफ खराब करना चाहती हो ये बताओ, मैं नहीं आ सकता ना? प्लीज आ जाओ, मैं रूम के पास वाले पार्क में बैठी हुई हूँ, प्लीज आ जाओ। बैर नहीं कर सकता, मतलब मैं किसी से बैर करने के लिए नहीं बोल रही, बस लास्ट टाइम मुझसे मिल लो। तो जरूरी है? हाँ जरूरी है, तभी बुला रही हूँ मैं तुम्हें। चलो लोकेशन भेज। ठीक है भेजती हूँ। तो गाइज अब राहुल आ रहे हैं, अब देखते हैं उनका क्या रिएक्ट होता है मुझे देख के। मैं भी हर एक लड़की चाहती है कि वो दिखने में अट्रैक्टिव लगे, ताकि जो जिससे वो प्यार करे वो भी उसे आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो अभी देखते हैं उन्हें कितना टाइम लगता है राहुल को, आ रहे हैं वो बस, चलिए वेट करते हैं। A few moments later. क्या हुआ? ये क्या है? दूर रह पहले मेरे से, दूर रह। मतलब धक्का क्यों दे रहे हो? बैठ तो जाओ, आराम से सुन तो लो। लगाऊंगा ना, सब सही हो जाएगा तुम्हारा दिमाग। प्लीज सुन तो लो, मैं बोल के आ रही हूँ। क्या बोल रही हो? बोलो। बैठ तो जाओ। नहीं बैठूंगा, बोल। प्लीज बैठ जाओ, बैठ तो जाओ, सुन तो लो। पास मत जोड़ना, मैंने कुछ बोला है जो गुस्सा कर रहे हो? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो प्यार से बात नहीं है। हक कर रही हो मुझे? मैं बोल दिया ना मुझसे दूर रहना, तू हमारा सबसे बड़ी दुश्मन है, ठीक है? सबसे बड़ी दुश्मन है तुम। तुम हक करने की बात कर रहे हो? मेरे लिए सबसे बड़ी दुश्मन है और मुझे दुश्मन से हक करना। मेरे तो पति हो तुम, तुम चाहे कुछ भी मानो मुझे। चाटा ना, सब पति का भूत निकल के बाहर आ जाएगा तुम्हारी वजह से। मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें भी मैं अच्छी लगूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर रही हूँ ये बताओ। चुड़ैल दिखती हो हमेशा, कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश हूँ, मैं तब भी खुश हूँ। खुश हो ना, तुम्हें कुछ तो लगूँ मैं। खुश रहो ना बस, बैठ तो जाओ, बैठ तो जाओ, ठीक है? बैठ तो जाओ। और मेरा टेंशन, बैठ जाओ पहले। सुनो ना, कोई अपना रहता ना, कोई अपना रहता ना, सुनो ना। नहीं बैठूंगा, छोड़, मेरा हाथ छोड़ के बात करना। मैं नहीं पकड़ रही, बैठ जाओ। अगर कोई अपना रहता ना, खुद मैं टेंशन में जी रहा हूँ और तू खुशी खुशी, मतलब यहाँ पे ये क्या कर रही है? मैं कितना टेंशन में हूँ तुम्हें मालूम है? तुम्हारे वजह से, सिर्फ किसी दूसरे की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारे वजह से। मैं भी टेंशन में हूँ, लेकिन टेंशन में मैं सिर्फ तुम खुश किस वजह से? जो लड़की तुम्हारी वजह से, जो लड़की टेंशन में रहे वो ड्रेसअप पहन के घूमेगी। तुम्हारे लिए ही तो किया है मैंने, मेरे तुम्हारे लिए ही किया है। मैं कौन होता हूँ ताकि तुम्हें भी मैं अच्छी लगूं?
मुझे बोल दिया ना, आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, एक चुड़ैल दिखती हो, और मुझे तुमसे कोई ये उम्मीद नहीं था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो तुम बोलो क्या करूं, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या करूं। मेरे लिए कुछ मत करो, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे लिए कुछ मत करो। तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। मैं मेरे लिए क्यों करूंगी, मैं कौन होता हूं? मैं सब कुछ मान चुकी हूं, तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? मैं नहीं माना हूं ना, तुम जो भी मानो तुम्हें मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानोगे जरूर। एक दोस्त के अलावा कभी कुछ नहीं मानूंगा, तुम मानो, ये मेरा वादा है। या तुम मजाक समझो, झूठ समझो, जो भी समझो, कभी नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें काटने को दौड़ रही हूँ क्या? जो मतलब प्यार से तो बात कर सकते हो, मैं प्यार से बात करने के लिए आई हूँ। मैंने सुनो ना, तुम्हारे वजह से, एक सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं ना कुछ काम कर पा रहा हूँ, ना सही से मुझे नींद आ रही है, ना कुछ कर रहा हूँ। तो शादी कर लो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी कर लूंगा ना, शादी कर लूंगा, उसके बाद जाके मुझे बिहार में बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा बिहार में? दोनों मजे से रहेंगे, यहाँ दिल्ली में ही रहेंगे। दोनों मजे में, मैं तुम्हारे साथ मजे में रहूंगा, ये तुम्हारा भूल है। जो तुम चाहते हो ना, मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए, मेरे सब लिए कुछ मत करना। मेरे लिए मेरे माँ बाप ढूंढेंगे, विश्वास तो करके जिस दिन टाइम आएगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे शादी करने के लिए, लेकिन जिस दिन भी ढूंढेंगे मेरे माँ बाप ढूंढेंगे, उन्हें बिना तलाश करे, मेरे माँ बाप बोल देंगे ना, मेरे माँ बाप बोल दे कि हाँ यहाँ कर लो, वहाँ जहाँ खुशी खुशी, क्योंकि माँ बाप से बड़ा सपना कुछ नहीं होता है। और मेरे माँ बाप ने जब भी पैदा किया, इतना कष्ट झेल के हर एक चीज मुझे इतना बड़ा इस जगह तक लाया, और उसके लिए मैं ये खुशी अपना छीन के फेंक दूं दूसरे के सामने? मुझे ना कोई नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे अलावा सिर्फ। हाँ तो बस, तो आज जैसे बोल रहे हो ना कि मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उस दिन बोलोगी कि तुम्हारे माँ बाप भी दिखाई नहीं दे रहे हैं मेरे लिए, और ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए। जो तुमने मिलवाना तो क्या, मुझे तो लगता नहीं है कि तुमने बात भी की होगी। नहीं, क्यों करूंगा बात, क्यों करूंगा, माँ बाप से बात करनी पड़ेगी ना, शादी करोगे तो बात भी करनी पड़ेगी, बात करके उनको टेंशन मिलाऊं? क्या टेंशन में, उन्हें बिना ढूंढे वो मिल जाएगी, और इससे अच्छा क्या रहेगा? करती क्या है हमसे ये बता, प्यार करती हूँ, प्यार करती, हाँ करती हूँ। फिर सरपंच के पास जिस दिन गई थी, गलती मान ली ना मैंने अपनी, सरपंच के पास, ये नहीं समझी माँ बेटी तुम दोनों कि सरपंच के पास जा रहे हूँ राहुल के लिए दुश्मन है ना, उस तो चीज के लिए मैंने उस दिन भी सॉरी बोला था, अभी भी मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी मत बोलना, ठीक है? सुन तो मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ, ड्रामा मत, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ, सॉरी का मेरे से ड्रामा मत, बैठ तो जाओ। नहीं बैठूंगा, बुलाई इसीलिए बकवास करने के लिए? मैं क्या बकवास कर रही हूँ, मैं प्यार से ही तो बात कर, क्या प्यार से बात कर रही हूँ, मुझे ये प्यार नहीं चाहिए। और कौन सा प्यार, तुम क्या चाहती हो बताओ, तुम मेरा लाइफ से जाने के लिए क्या चाहती हो ये बताओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो मैं मार दूंगा, मार, मैं खुद मार दूंगा, मार दो तो मार, तुम मर ही जाएगी सच में, ये हाँ ऐसा तो, आएगा कि तो, गला दबा के खुद मैं तुझे जीऊंगी तो भी तुम्हारे साथ, मरूंगी भी तो भी तुम्हारे हाथों से, और उससे पहले खुद ना मैं आत्महत्या कर लूं तो क्या होगा? तुम क्यों करोगे, मुझे मार दो ना, तुम्हारे वजह से डिप्रेशन में आके कुछ भी कर सकता हूं। जो क्यों करोगे, मैं तुम्हें कुछ करने बहुत नहीं, हंसी आ रही है ना, कुछ कर रहे हैं, हंसी आ रही है ना तुझे, बहुत हंस, मार लो, क्या हंस क्या रही, मतलब बातें ऐसे कर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, उसके बाद मुझे बुलाना मत, ठीक है? मैं नहीं बुला रही बाबा, बैठ तो जाओ, बैठ जाओ, बैठ के क्या होगा, बात सुन लो ठंडे दिमाग से ना, चैन से मुझे रहने, ठंडे दिमाग से, चैन से मुझे रहने दो, ताकि मैं खुश रहूं और मैं अपना काम पे ध्यान दूं। अच्छा मैं ऐसा क्या करूं जो मतलब मुझसे तुम शादी कर लो? मैं ऐसा क्या करूं, हम तुम मुझे दोस्त मानते हो, दोस्त से थोड़ा ऊपर मानो, तुम मेरे लाइफ से चली जाओ। नहीं ये बात तो मैंने बोली नहीं लाइफ से जाने के लिए, तो बोली हो ना कि क्या करूं आपके लिए, मैंने शादी करने के लिए बोला है, शादी करने के लिए क्या करूं, शादी, हां शादी तो ये तुम्हारा सपना है, तुम क्या तुम्हारे मां बाप, सपना नहीं है हकीकत बनेगा, सपना नहीं है हकीकत बनेगा, हकीकत का नाम मत लेना, ठीक है? हकीकत बनेगा, हकीकत का नाम मत लेना, मान लो, ठीक है? हकीकत का नाम मत लेना मुझे, मेरे पास, ठीक है? क्यों मतलब क्या है ना, हंसू ना तो और क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं बोलो। सुनो ना, क्यों पीटने पे लगी हो? हाँ तो पीट दो, मार लो, जितना मारोगे, कितना मारोगे, तुम्हारे लिए मैं मार खाने को भी तैयार हूँ। चोरी किए जा रही है, ठीक है? दिमाग मत खराब कर, घर पे जा, ठीक है? जाना है तो तुम्हारे क्या करूंगी घर जाके, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे क्या करूंगी मैं घर जाके, जा कुछ खा के मर जा, कुछ खा के क्यों मरूं, तुम अपने हाथों से मार दो ना, क्यों मरूं कुछ खा के, बकचोदी मत करो, ठीक है? और चली जाओ, कहाँ चली जाऊँ मैं, फालतू की बकवास कर रही हो ना, क्यों जाऊँ, क्या बकवास कर, बोल दिया ना, दूर रह मेरे से, क्यों दूर रहूँ, क्यों दूर रहूँ मैं, ये क्या, क्यों तुम दूर रह मेरे से, दूर रह, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं दूर रह, तुम्हारी वजह से क्या बन के खड़ी हुई हूँ,
मैंने कभी ऐसे कपड़े पहने हैं? तुम्हारी वजह से मैं कुछ भी तुम पहन लोगी ना, तुम्हारी वजह से मैं इतनी चेंज हो गई हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लगूं। मेरे लिए अच्छी नहीं हूँ, बोल दिया ना चुड़ैल एक दिन। आज अच्छी नहीं हूँ, कल तो लगूंगी। इसलिए नहीं लगोगी मेरे लिए, नहीं लगोगी। आज मेरी कोशिश खराब गई, कल तो सफल होगी मेरे लिए। अब इससे बाद आऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें आना पड़ेगा। नहीं आऊंगा। आओगे तुम? नहीं आऊंगा। आओगे और आओगे क्या? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? ये भूल जा, ये सपना भूल जा। क्यों भूल जाऊं? ठीक है, मैंने तुमसे, मैं बार बार बोल रही हूँ, सपना नहीं है। मेरा लाइफ खराब करने पे लगी है। मैं क्यों लाइफ खराब करती? तो क्यों लाइफ खराब करती? क्या कर रही है? मैं कोई लाइफ खराब नहीं कर रही। मेरा लाइफ ही खराब कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। प्लीज चाहती है मेरी बात सुनना। तू चाहती है कि मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊँ बिहार गाँव? अच्छा सुनो 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 सुनो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, मैं प्यार बोल रही हूँ। कमी दिख क्या रही है? ये देखो, मैं बहुत कमी है। तुम क्या, क्या कमी बताओ है? क्या कमी क्या है तुम में? क्या नहीं है मुझ में? बहुत कुछ नहीं है। क्या नहीं है बताओ? तुम में जो लड़की वाला वो रहता है ना, कि लड़की का एक स्वभाव नेचर जो रहता है। अच्छा, वो तुम्हारे में नहीं है। मतलब क्या नेचर? नहीं है कुछ भी नेचर नहीं है ऐसा। इतना गलत बिहेव करने वाली लड़की से मुझे शादी कभी नहीं करना है, ठीक है? भूल जाना। तुम्हें भी ना, अब मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हें भी ना वही दिक्कत परेशानी दिख रही है जो जिस वजह से मेरा पति छोड़ के चला गया है, ठीक है? ये बात से अगर इसी वजह से ना ही तुम अपने घर में बात कर रहे हो और ना ही तुम किसी से बात कर रहे हो, ठीक है? लगता ना कब का शादी कर लेता, लेकिन तुमने मेरे सामने मैं कैसे एक बार भी अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट नहीं किया, एक बार भी। अगर एक बार भी किया रहती ना तुम समझता कि ये लड़की का। तुम्हारी बात समझी, लेकिन जिस दिन से आई है ना मेरे लिए सनी बन के आई है, ठीक है? तुमने शादी करवाई थी ना हमारी? तो करवाई थी ना। क्या हो गया? मैंने करवाया था मेरे हस्बैंड को। मैंने करवाया था तो क्या हो गया? गलती कर दी ना, गलती कर दी। उस दिन भी रो रही थी ना? हाँ तो रो रही थी। तो उस दिन शादी करवा के मैंने नहीं करवानी चाहिए थी, मैं समझ जाती उस दिन के बाद में। और आज ना मैं अपने पति को बिल्कुल भूल चुकी हूँ। जो कुछ भी हो ना तुम हो सिर्फ मेरे। लेकिन नाम मत लेना, मुझे कुछ कहना मत, नहीं तो यहीं पे गला दबा के मार दूंगा, समझी? बोलना मत मुझे। क्यों ना बोलूं? जा रहा हूँ आज के बाद, मुझे बुलाना। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? कब तक पीछे छोड़ाओगे मुझसे? हाथ छोड़ के बात। नहीं छोड़ूंगी। हाथ छोड़ के बात। नहीं छोड़ूंगी मैं। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ के बात करो। मेरे से दूर ही रहना, ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। दूर थोड़ी ना रहना है मुझे, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? क्या समझूं? जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझो। मेरे सामने चिल्लाना मत। क्या करूँ फिर मैं? तुम ना शांति से मेरी बात सुन रहे हो? यही बात सुनो, साला उब चुका हूँ। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। तो करते क्यों नहीं हो? क्यों करूँ? क्यों नहीं करोगे? नहीं करूंगा कभी, नहीं भूल के, और जिंदगी भर नहीं करूंगा, इतना सोच लेना। तुम्हें करनी पड़ेगी राहुल। आपको मारने लग चला जाएगा ना, दोनों में चला जाएगा तो शादी खत्म हो जाएगा, ठीक है? खुद से मर जा। खुद से क्यों मर जाऊं? मर जा। क्यों मर जाऊं? नफस आ रही। जब मैं सपने ही तुम्हारे साथ रहने के देख रही हूं तो मैं मर क्यों जाऊं? रहने क्यों चुप हो जाऊं मैं? उधर बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया मैंने तुम्हारा कैमरामैन, बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया मैंने। बुलाया है ना, बहुत रिक्वेस्ट करी थी मैंने। तुम बोलो तुम उधर कहां? ये क्या दिखाना चाहती हो? मैं यही दिखाना चाहती हूँ, जो वीडियोस देख के लोग मुझे गाली देते हैं ना, उन सब तक ये मैसेज भी पहुंचेगा। ये वीडियो भी अगर देखेंगे ना तो 100 लोग तुम्हें ही गाली देंगे, 500 लोग तुम्हें ही गाली देंगे। अरे यार देने दो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ और तू साला पैसा।